दादारे 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 शेतकरी दादारे माझा काम करी दादारे शेतकरी दादारे माझा काम करी दादारे 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 कार्यक्रमाचं नाव आहे ग्रामधारा चित्र उत्सव शेतकरी दादारे माझा काम करी दादारे शेतकरी दादारे माझा काम करी दादारे आम्ही काही लँड आर्ट्स बनवले आहेत. लँड आर्ट्स म्हणजे की 7 अलग अलग प्रकारचे लँड आर्ट्स बनवले आहेत. याच्यात मेथी, हिरवी भाजी, लाल भाजी आणि पालक याच्यातनं काही चित्र बनवले आहेत जे आत्ता समकालीन शेतकऱ्यांचे जे इश्यूज आहेत याच्यावर ते बोलणारे चित्र आहेत. ये ग्राम आर्ट का तरफ से जैसे ये लोग डिस्प्ले कर रहा है ये सबको समझने में बहुत इजी होगा. सबसे बड़ा बात हमको यही लगा. और दूसरा चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं है और गांव का आदमी लोग का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ जो जरूरी होते हैं. सेंद्रिय शेतीबद्दल या ठिकाणी कार्यक्रम होता, बीज उत्सवाचा कार्यक्रम होता. त्या बीज उत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये मी गावोगावी सहभाग घेत असतो आणि लोकांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे बा सेंद्रिय शेतीचा निरोप या कारणास्तव मी गावोगावी चर्चा करण्याकरता येतो. शेतकऱ्याने आपलं जे बी आहे हे घरचंच बी वापरलं पाहिजे. आज माझ्याजवळ कमसे कम 15 ते 20 तऱ्हेचं बियाणं आहे. विषमुक्त अन्न खाल्ल्याने आपल्या शरीर चांगले राहील. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये काही 5 चित्रकार आणि शिल्पकार अशा म्हणजे आर्टिस्ट लोकांना आम्ही देशभरातनं ओपन कॉल दिला होता. त्यातनं काही लोकांना सिलेक्ट केलं. असे 5 आर्टिस्ट आणि विदर्भात काम करणारे 5 सामाजिक कार्यकर्ते जे शेती शेतकऱ्यांच्या इश्यूजवर काम करतात असे 5 लोकांना आम्ही इथे इन्व्हाईट केलं होतं. आणि गावातले शेतकरी आणि यंग काही तरुण मंडळी अशा सगळ्यांची एक 3 दिवस मीटिंग चालली. त्या मीटिंगमधनं जे काही डिस्कशनमधनं जे पॉईंट्स बाहेर आले त्या विषयांवर आधारित चित्र तयार केले. इथे पुष्कळ लोक आलेत अलग अलग राज्यातनं म्हणा आणि देशविदेशातनं पाहण्यासाठी. मिलकर आर्ट इन पब्लिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं. अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. कास्ट, रिलीजन, पावर, ये सारे चीज़ों के बियॉन्ड कुछ हो जो कि हमारे लाइफ को सेलिब्रेट करे, जो लोगों को सेलिब्रेट करे. हमारा फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सारे लोग हम एक साथ आते हैं और इसीलिए ग्रामधारा चित्र उत्सव के बारे में सोचा कि गाँव में ही सबसे ज़्यादा खेती होती है. तो ग्राम यानी गाँव, धारा यानी धरती, चित्र उसके ऊपर चित्र जो बना है और उसका हम उत्सव मेला साथ में मिलकर मनाएंगे. माझा काम करी दादा रे वाडी वडिलाने शेती केली कसदार होती आपुली माती कसदार होती आपुली. और जिस जगह पे हम ये बात करना चाहते हैं और जिन लोगों से बात करना चाहते हैं तो उन लोगों तक पहुंचने का माध्यम जो है वो उनके रोज के जिंदगी का होना चाहिए. वो जो प्रैक्टिस है वो उनकी खुद अपनी होनी चाहिए. तो खेती और कला इसी तरीके से, और खेती यानी कला ही है. बीज बोना एक लाइन में, उसमें जो वो धीरे धीरे उगता है वो तो वो एक तरीके से वो आर्ट क्रिएट होता है. उसमें फूल फल ये तो ये सारी एक कला ही है. बस उसको एक अरेंजमेंट में बैठा कर उसका एक ऐसा चित्र बनाया है जो लोगों तक बातें करे, कुछ बोले. सब ग्राम धारा के 2 दिन इन विषयों पर काम करने वाले लोगों के साथ जब कलाकार और गांव के कुछ बच्चे और किसान बैठे धूप में, ठंड में, रात में भी अंधेरा पड़ने के बाद बुवाई करना, फिर पानी देना, देखना वो उग रहा है या नहीं उग रहा है, फिर उग नहीं रहा है तो क्या करना, तो किसान के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो उसके पूरे खेत में ये सब करते हैं और उनको पता भी नहीं और उनका जीवन भी उसके ऊपर निर्भर रहता है कि इसमें से आएगा नहीं आएगा. तो हमारे अंदर से जो इस प्रक्रिया में जो अंदर जो हमारे चल रहा है वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विचारों का आदान प्रदान होते रहा है. उसी के दौरान ये कुछ ऐसे आइडियाज़ बाहर आई कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए जो गाँव के फार्मर्स के साथ मिल के हुआ होना चाहिए. काम करना मतलब ये एक
वर्कर की तरह या फिर एक मेहनत मजदूर की तरह ये काम करना नहीं है। ये काम करना मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ पे 5 मिनट भी दे रहे हैं तो 5 मिनट से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमारे दिमाग के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये कर रहे करके, क्योंकि इससे हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लिया, जो ज़मीन का जो समस्या सिर्फ किसान का समस्या नहीं है, एक ही पृथ्वी है हमारा लिए, ये क्लाइमेट चेंज बोलिए, एनवायरनमेंट का बोलिए, सब हम लोग को सबका समस्या है, लेकिन इसका बोझ ये जो दिखा रहा है इसका बोझ किसान का ऊपर आ जाते हैं। किसान को यह है कि अपने बीज जो है, जो नेचुरल बीज है वो इस्तेमाल करने चाहिए, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है, जो अभी शायद जीएम क्रॉप्स आ जाएं तो तबाह कर देंगे ऐसा लगता है। आज अपन विदेशातले जे बियाने वापरते हो ते नक्कीच आपल्या शरीरासाठी घातक आहेत आणि हे घातक नाही आहेत, अपायकारक नाही आहेत हे बियाने। मला जर आयुष्यामध्ये जर चान्स संधी जर मला भेटली तर नक्कीच मी आमच्या गावातील शेतकऱ्यांना असली शेती करण्याबद्दल सांगणार आहे। शासनाचं शेतकऱ्यांकडे लक्षच नाही आहे, शासन फक्त कर्जमाफी म्हणते किंवा देते, परंतु ती जी कर्जमाफी आहे ती शेतकऱ्यांपर्यंत येतच नाही आणि कर्जमाफी केल्यावर कोणताही शेतकरी मला नाही वाटत की वरती येणार आहे। जोपर्यंत तुम्ही शेतकऱ्यांबद्दल वेगवेगळे उपक्रम राबवत नाही, त्यांना स्वतः इथे येऊन जे नेते आहेत ते भेटी देत नाहीत, त्यांचे प्रश्न समजत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचं भविष्य धोक्यात आहे शासनाच्या खाली। बस यही एक उद्देश्य था कि नए उत्सव होना चाहिए, जो आज की बात करना चाहिए। काम करी दादा रे, वाड़ी वडिलाने शेती केली, कसदार होती आपुली माती, कसदार होती आपुली माती, उतार्या।